अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 25 ईयर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें 25 साल में कराची बोर्ड में आने वाले जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट के सवालात हैं उनको यहाँ हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कहा जा रहा है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक सवाल दिया जाएगा और कहा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें मालूम करके बताना है। याद रहे ऑक्सीडेशन स्टेट की जो डेफिनेशन है, द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एटम पर जो फॉर्मल चार्ज होता है जब वो किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। मिसाल के तौर पर यहाँ इसमें कहा गया है क्रोमियम Cr in K2 CrO7। हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है K2 CrO7 में। तो इससे पहले हम शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पे अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर अलीसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से तमाम इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करें। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि कुछ हैं हमारे पास, जैसे एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन है जिसमें पोटेशियम आता है, लिथियम है, सोडियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। इनके ऊपर हमेशा प्लस वन चार्ज होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये अपने आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब भी आपके पास पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम हो इनके ऊपर हमेशा प्लस वन ही चार्ज आता है। इसी तरीके से हेलोजिन की अगर हम बात करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो इनके ऊपर हमेशा मोस्टली ज़्यादातर जो है वो माइनस वन ही चार्ज आता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की है और ये दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करने की सलाहियत रखता है, लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा माइनस टू मोस्टली। ज़्यादातर केसेस में अगर परऑक्साइड और एक्सेप्शन कंडीशन नहीं है तो ज़्यादातर इसके ऊपर माइनस टू आता है। तो आइए हम क्रोमियम मालूम करने जा रहे हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने जा रहे हैं K2CrO7 में। तो आइए सबसे पहले हमें लगानी होगी हेडिंग सॉल्यूशन की। इसमें पोटेशियम दो है तो हमने 2K किया, क्रोमियम एक है प्लस, क्रोमियम एक दो है यहाँ इस सवाल में तो यहाँ हमने 2 लगा दिया है, 2Cr प्लस ऑक्सीजन 7 है तो 7O। अब इस ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लिहाजा हमने इक्वल टू करके यहाँ लिखा है 0। तो इस सवाल में हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना था तो 2 पोटेशियम 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन लिखे हैं, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इसीलिए हमने यहाँ 0 कर दिया। पोटेशियम के ऊपर जैसा कि हमने बताया था प्लस वन आता है, क्रोमियम हमें मालूम करना है, ऑक्सीजन अभी हमने बताया इसके ऊपर मोस्टली माइनस टू होता है तो 7 यहाँ माइनस टू से मल्टीप्लाई होता है माइनस 14 हो जाता है, 2 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस 2 हो जाता है। अब यहाँ 14 यहाँ माइनस में वहाँ जाके प्लस में, 2 यहाँ प्लस में वहाँ जाके माइनस में, 14 माइनस 2 12 होता है, 2 क्रोमियम से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड 12 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर हमारे पास इस सवाल का आंसर जो है वो प्लस 6 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इस सवाल में प्लस 6 है। इसी तरीके से फॉस्फोरस का पूछा गया है इन H3PO4। याद रहे हाइड्रोजन के ऊपर भी मोस्टली प्लस 1 ही चार्ज होता है ज़्यादातर केसेस में। तो अब आते हैं, 3 हाइड्रोजन है 3H लिखा, फॉस्फोरस हमें मालूम करना है एक ही है तो प्लस P, 4 ऑक्सीजन है प्लस 4O, ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसीलिए इक्वल टू 0। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस 1 होता है, फॉस्फोरस हमें मालूम करना है, ऑक्सीजन माइनस 2 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 8 हो गया है, 8 यहाँ माइनस में वहाँ जाके प्लस, 3 यहाँ प्लस में है वहाँ जाके माइनस, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो फॉस्फोरस के ऊपर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इस सवाल में प्लस 5 है। इसी तरीके से मैंगनीज का पूछा जा रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड से MnO4-। अब यहाँ सबसे पहले हमने MnO
माइनस वन इसके ऊपर चार्ज था, इसीलिए हमने यहाँ इक्वल टू के बाद माइनस लिखा। इससे पहले वाले पर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं था इसीलिए जीरो लिखा था, यहाँ माइनस वन है। जितना भी चार्ज होगा इक्वल टू करके हमें लिखना होगा। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू है, फोर मल्टीप्लाई बाई माइनस टू माइनस एट, माइनस एट यहाँ मल्टी माइनस में है वहाँ जाके प्लस होगा, एट माइनस वन ये हो जाएगा प्लस सेवन। इसी तरीके से पास पेपर में आने वाले कुछ और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहां हमसे पूछा जा रहा है सल्फर इन Na2SO4। अब यहां हमारे पास सोडियम दो है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं इसीलिए जीरो। सोडियम के ऊपर प्लस वन आता है जैसा कि पीछे हमने बताया था, प्लस एस हमें मालूम करना है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू, फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस एट होगा, माइनस एट वहाँ जाके प्लस होगा, टू जो है वो यहाँ प्लस में है वहाँ जाके माइनस, एट माइनस टू इक्वल टू एस की वैल्यू आ जाएगी प्लस सिक्स। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात हो रही है ओ इन ओ एफ टू। अब फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इसके ऊपर आएगा माइनस वन, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस टू, अब ये टू यहाँ जो है वो माइनस में वहाँ जाके प्लस, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस सवाल में आता है प्लस टू, जो कि एक एक्सेप्शन कंडीशन है, वरना ज़्यादातर मामला में ऑक्सीजन का माइनस टू ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसी तरीके से क्रोमियम की बात हो रही है Cr2O7 माइनस टू में हमें पूछा जा रहा है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ओवरऑल यहाँ क्रोमियम दो है तो 2Cr प्लस 7O, अब यहाँ इसके ऊपर जो है वो माइनस टू है तो इक्वल टू करके हमने यहाँ माइनस टू लिखा है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू होता है तो यहाँ सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस फोर्टीन हो गया है, ऑलरेडी यहाँ माइनस टू है, फोर्टीन वहाँ जाकर प्लस होगा, फोर्टीन माइनस टू प्लस ट्वेल्व हो जाएगा क्योंकि प्लस फोर्टीन है यहाँ, प्लस फोर्टीन में माइनस टू होगा तो प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो क्रोमियम आ जाता है प्लस सिक्स। इस सवाल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम की प्लस सिक्स है। इसी तरीके से हमारे पास सवाल में N इन NCl3। अब यहाँ हमारे पास जो है वो सोडियम की बात, नाइट्रोजन की बात है, N एक ही है तो N प्लस, क्लोरीन तीन है तो 3Cl, एक Cl के ऊपर माइनस वन होता है तो माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री यहाँ जो है वो अगर इक्वल टू की उस तरफ चले जाता है तो प्लस थ्री हो जाएगा। S सल्फर इन Na2S2O3, दो सोडियम है तो 2Na प्लस 2S, तीन ऑक्सीजन है 3O, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है लिहाजा ज़ीरो। एक सोडियम के ऊपर प्लस वन होता है प्लस 2S, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो माइनस टू है, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स यहाँ जो है वो अगर इक्वल टू के वहाँ लेके जाएं तो प्लस सिक्स हो जाएगा, टू यहाँ प्लस में है वहाँ जाकर माइनस होगा, प्लस सिक्स माइनस टू प्लस फोर होगा और टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा वहाँ जाके डिवाइड, तो प्लस फोर को जब हम टू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है प्लस टू। इसी तरीके से अगले सवाल में Cl इन MgCl(O)4 ब्रैकेट टू, हमें यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन मालूम करनी है MgCl(O)4(2) में। मैग्नीशियम एक ही है और ये टू जो है ये पूरे ब्रैकेट पे है, मतलब ये क्लोरीन भी दो है, ऑक्सीजन अगर चार हैं तो ये हो जाएंगे आठ, क्योंकि ये टू जो है इस पूरे से इससे भी मल्टीप्लाई होगा और टू इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2Cl हो गया है, इससे मल्टीप्लाई होगा ये 8O होगा इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2A का है और ग्रुप 2A में हमारे पास आते हैं कैल्शियम जिनके ऊपर मोस्टली प्लस 2 होगा, मैग्नीशियम का ताल्लुक भी इसी ग्रुप से है लिहाजा इसके ऊपर भी आ जाएगा प्लस 2, तो मैग्नीशियम जो है वो प्लस 2 है, 2Cl, ऑक्सीजन माइनस टू है, एट मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन यहाँ माइनस में है वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस में, टू यहाँ प्लस में है वहाँ जाकर माइनस होगा, सिक्सटीन माइनस टू प्लस फोर्टीन, टू यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड, तो यहाँ इस सवाल में Cl के ऊपर आ जाएगा प्लस सेवन, जबकि ये एक्सेप्शन केस है, ज़्यादातर क्लोरीन के ऊपर माइनस वन होता है। इसी तरीके से हमारे पास इस सवाल में कहा जा रहा है फॉस्फोरस इन P2O7-2। अब सॉल्यूशन किया है, दो फॉस्फोरस हैं तो 2P,
सात ऑक्सीजन है तो 7O, ओवरऑल चार्ज -2 था तो इक्वल टू के बाद -2 लिखा, ऑक्सीजन का -2 होगा यहाँ रखा है, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14, -14 यहाँ अगर इक्वल टू के उस तरफ चले जाता है प्लस में, +14 -2 +12 होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 ये सवाल का आंसर आ जाएगा +6। इसी तरीके से हमारे पास कहा जा रहा है सल्फर इन SO3, हमें मालूम करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट SO3 में, तो यहाँ एक ही सल्फर है तो S प्लस, तीन ऑक्सीजन है 3O, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है 0, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है लिहाजा -2 लिखा है, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -6 होगा, और ये -6 इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +6। इसी तरीके से हमारे पास एक सवाल है, यहाँ इसमें हमें मालूम करना है टिन का इन टिन क्लोराइड SN इन SnCl2 का हमें मालूम करना है, तो यहाँ हमारे पास SN का मालूम करना है एक ही है यहाँ रखा है हमने, प्लस दो क्लोरीन है 2Cl, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो ये 0। अब Cl जो है एक के ऊपर मोस्टली -1 होता है तो यहाँ रखा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 होगा, -2 यहाँ जो है वो इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +2। इसी तरीके से SN इज SnCl4, हमें SN का मालूम करना है ऑक्सीडेशन नंबर SnCl4 में, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा SN प्लस 4Cl, अब एक Cl के ऊपर जो है वो -1 है तो यहाँ रखा है 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 होगा, -4 वहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा +4। इसी तरीके से हमारे पास S इन SO3 -2, हमें सल्फर का मालूम करना है तो इस सवाल में S एक ही है यहाँ रखा प्लस 3O यहाँ रखा, -2 जो है वो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है तो इक्वल टू के यहाँ -2 रखा है, एक ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 है यहाँ रखा हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 होगा, -6 वहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा +6 -2, यह आंसर इसका सल्फर का आ जाएगा +4। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन इन C2H6O, अब यहाँ हमें कहा जा रहा है इस सवाल में दो कार्बन है तो 2, 6 हाइड्रोजन है तो 6, ऑक्सीजन है तो 1 और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0। इसी तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, -2 को यहाँ 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया +6 हो गया, ये -2 है, +6 को जब वहाँ लेके जाते हैं तो -6 हो जाता है, +2 को वहाँ लेके जाते हैं +2 हो जाता है, ये -4 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा और इसके साथ हमारे पास इस सवाल का आंसर आएगा C-2। और इसके साथ ही हमारे पास जो है 25 ईयर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने भी आने वाले सवाल हैं तमाम हमने जो है वो इस वीडियो में मुकम्मल किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और स्पेशली वो दोस्त जो कोचिंग प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो काइंडली उनकी ज़रूर मदद कीजिएगा, हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 50 से ज़्यादा लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फोल्डर से जाकर आप हासिल कर सकते हैं। याद रहे हमारी पूरी कोशिश है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पास पेपर के तमाम टॉपिक्स बहुत जल्द 25 ईयर्स के वीडियो की शक्ल में अपलोड करें, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।